फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं इनकम मेथड को डिटेल में। इसके जो है स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें यूज़ करने चाहिए जब हम इनकम मेथड यूज़ करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है, किन को एक्सक्लूड करा जाता है, वो सारा हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा इनकम मेथड, राइट, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा, इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे NDPFC, राइट। सो जो ये हमारे इनकम मेथड है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले इंक्लूड होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है ठीक है, अदरवाइज इन तीनों चीज़ों में से भी कोई भी चीज़ गिवन हो सकती है, इन तीनों को मिलाकर हमारा टोटल प्रॉफिट बनता है। डिविडेंड, रिटेन अर्निंग एंड कॉरपोरेट टैक्स। डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि हमारी कंपनी होती है तो कंपनी में क्या होता है, हमारी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो कुछ तो हम उनको, जैसे हमारी कंपनी में टोटल जितने प्रॉफिट होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ तो हम एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे देंगे और कुछ प्रॉफिट का पार्ट हम एज ए रिटेन्ड अर्निंग रख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, कुछ भी लॉसेस वगैरह हो जाए तो हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स, कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए ना, तो इस वजह से हम इसको अपने पास रिटेन कर रख लेते हैं, तो ये बन जाती हमारी रिटेन्ड अर्निंग। और इसका दूसरा नाम क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हम अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अमंग द शेयर होल्डर, राइट। तीसरी चीज आती है इसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी कंपनी पे करती है टैक्स, राइट। सो ये होगी हमारी तीन चीजें जो प्रॉफिट में इंक्लूड होती है, राइट। तीसरा जो हमारा ये हो गया प्रॉफिट, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड चीज इसके अंदर आती है इंटरेस्ट। देन मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं हम। मिक्स्ड इनकम लिखा हो सकता है या फिर इसकी जगह पे सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। देन हमारा नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। इसकी जगह पे ये कैसे बनता है, ये भी तीन हेड को मिलाकर बनता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि कैश में दे रहे हो या कैश की जगह पे आप किसी और फॉर्म में पैसा पे कर रहे हो, वेजेस सैलरी पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को। थर्ड पॉइंट लिखा हो सकता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे जो है कई बार क्या कर देते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर की जगह पे क्या लिख देते हैं, एम्प्लॉयज लिख देते हैं। तो आपने जो उसको तभी कंसीडर करना है अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखा हो, राइट। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, राइट। तो ये आपके पास होगा, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, NDPFC बनता है, जो कि हम नेशनल इनकम से फाइंड आउट करते हैं, राइट। नेशनल इनकम इससे जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा क्या, हमारा इनकम मेथड है, राइट। तो इनकम मेथड में आपको पता लग गया कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। ये जो है पांच हेड आपको इंक्लूड करने, इन पांच हेड का जब हम टोटल कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे इनकम मेथड से क्या निकल के आएगा, NDPFC निकल के आएगा। अब जो ये NDPFC है ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम है। हमें क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है, और नेशनल इनकम क्या होता है हमारा, NNPFC होता है। तो इस इन सबको ऐड करके हमारे पास निकल के आएगी NDPFC। NDPFC में जब हम NFI को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है NNPFC निकालो या फिर लिखा हुआ नेशनल इनकम निकालो, तो पहले आप इन सब हेड को टोटल करोगे, आपके पास निकल के आएगी NDPFC, फिर उसके अंदर NFI को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा, राइट। अब जो है ये जो NFI वगैरह कब ऐड करते हैं, कब माइनस करते हैं, ये चीज़ जो मैं इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपके थर्ड चैप्टर में ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हो अगर आपको इस चीज़ में भी डाउट है। फिर अगर बात करते हैं, हम कई बार क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं, जो इसके पहले वाले तीन हेड हैं, राइट, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इन तीनों हेड को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो ये यहाँ पे रिप लिखा हुआ है कि याद रहे, R से क्या हो गया रेंट एंड रॉयल्टी, I से क्या हो गया इंटरेस्ट, और P से क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। तो इन तीनों हेड को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस ही पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सरप्लस की, एक तो हमारा ये मेथड होता है कि हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करें तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है।
ऑपरेटिंग सरप्लस एक तरीके से फैक्टर पेमेंट्स को ही बोला जाता है। इसको जो है कैलकुलेट करने के और भी मेथड है। कई बार क्वेश्चन में अगर आपको जो है ये सब चीज़ें ना गिवन हो तो आप जो है इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में से वो माइनस कर दें और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को माइनस कर दें, मिक्स्ड इनकम को माइनस कर दें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस कर दें और एनआईटी को माइनस कर दें, तो भी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को बोला तो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे। इसके बाद जो है ऑपरेटिंग सरप्लस जो है एक तरीके से एक और मेथड इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वेजेस एंड सैलरी को माइनस कर दे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दे और एनआईटी को माइनस कर दे, तो भी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड है जिसको आपको जो है सारे मेथड आने चाहिए ताकि क्वेश्चन कोई भी आए आप जो है ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम मेथड के स्टेप्स की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे भी कौन कौन से जो है हमने फैक्टर्स को लेना है, राइट। तो ऐसे थोड़ी हम कुछ भी ले रहे हैं। तो इसमें अभी हमने देखा कि भाई पांच हेड वाली चीज़ें लेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा गिवन है तो उसको हम नहीं लेते। तो पहले तो हम ये देखेंगे भी कहाँ से हमारे पास जो भी प्रोडक्शन आ रही, इनकम आ रही है, वो कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन से फैक्टर से आ रही है, इसको हमने इंक्लूड करना है कि नहीं करना, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि एक तरीके से हर सेक्टर से जो हमारे पास जो पेमेंट आ रही है, इसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग से हेड बना देंगे, लाइक रेंट का, प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का, मिक्स इनकम का, जो अभी हमने देखे इन पांच हेड में हम उनको क्लासिफाई कर लेंगे, राइट। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर जो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, इन सबको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करा कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, सेकेंड स्टेप में हमने वो उसको हेड के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासिफाई करा, थर्ड स्टेप में हमने उन सबको ऐड कर दिया, एनडीपीएफसी निकाल लिया। फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा क्योंकि इससे हमारी निकल के आएगी एनडीपीएफसी जो कि डोमेस्टिक इनकम है और हमें कौन सी चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एनएफआई को ऐड करना पड़ेगा। एनएफआई क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हमें फीफा में से फीटा माइनस करना है, फ्रॉम वाली टर्म में से टू वाली माइनस करेंगे तो हमारा एनएफआई आ जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये थे इसके स्टेप। अब बात करते हैं हम प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो बहुत इजी है। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ट्रांसफ़र इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है, वो इनकम होती है जो बिना मेहनत वाली होती है, जैसे कि डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई प्रोडक्शन नहीं होती, कोई हार्डवर्क नहीं होता, इस वजह से हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि इसकी वजह से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही, हम जस्ट इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी पर्सन को, राइट। तो ये वाली इनकम जो है वो हम इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रांसफ़र इनकम गिवन है तो आप उसका कुछ भी नहीं करोगे, उसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। यानी जो हम सेकंड हैंड गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो उससे जो इनकम आप अर्न करोगे वो भी इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड बिकी थी उस टाइम उसकी इनकम इंक्लूड हो चुकी है। तो हम जो है ताकि उस चीज़ को दो दो बार काउंट ना कर ले, इस वजह से हम उसको अवॉइड करेंगे कि हम उसको सेकंड टाइम भी काउंट करें। जब उसकी ओरिजिनल सेल हुई थी उस टाइम पे हमने उसको नेशनल इनकम में ऐड कर दिया था, तो ये हमारा क्या होगा, जब हम सेल करेंगे सेकंड हैंड गुड से, उससे जो इनकम रिसीव्ड होगी वो क्या होगा, वो एक तरीके का कैपिटल गेन होगा, राइट। अगर हम उसको दोबारा करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी कि भी हम जो है उसको दो दो बार इंक्लूड कर रहे हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम जो है सेकंड हैंड गुड्स सेल करके उससे हमें कोई भी कमीशन की अमाउंट रिसीव हो रही है, ब्रोकरेज इनकम या मतलब कुछ और एक्स्ट्रा इनकम अगर आप उससे कमा रहे हो तो वो इंक्लूड करनी है। बट उसको सेल करके जो डायरेक्ट इनकम आ रही है उसको नहीं इंक्लूड करना आपने, बट उससे कमीशन वगैरह अगर आपको मिल रहा है तो वो आप इंक्लूड करोगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ये इस पॉइंट में आई थिंक ये फोटो शायद
इसके अंदर नहीं आए, तो ये चीज़ आप प्लीज़ याद करके ऐड कर लेना कि अगर हमें यहाँ से कमीशन या फिर ब्रोकरेज फीस वगैरह अगर हमें मिलती है तो उसको हम ऐड ज़रूर करेंगे, राइट। सिंपल जो ये वाली अमाउंट कैपिटल गेन वाली है इसको इंक्लूड नहीं करते, बट कमीशन वगैरह अगर उसको बेच के आपको बीच में कोई कमीशन वगैरह मिला, उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, आपको सुना सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, जो शेयर्स वगैरह डिबेंचर वगैरह की मार्केट होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का पेपर क्लेम होता है, इसको जो है इस जो ये वाली ट्रांजेक्शन हो रही है ये किसी भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा, ये एक फाइनेंशियल एसेट है। लाइक आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, राइट, तो उससे कोई गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, कोई फ्लो हो रहा है, नहीं ना। उससे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो वो एक क्या तरीके का पेपर क्लेम है वो, ठीक है, वो क्या एक फाइनेंशियल एसेट है, तो वो इसके अंदर हम नहीं इंक्लूड करते, राइट। बट वही सेम चीज़ आपने यही पॉइंट सेकंड पॉइंट में भी लिखना है और ये पॉइंट इसमें भी लिखना है। बट अगर उस एसेट से आपको कोई कमीशन वगैरह मिल रहा है, ठीक है, कमीशन वगैरह मिल रहा है, तो वो हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो एक तरीके की आपने किसी को सर्विस दी है और सर्विस के बदले में अगर हमें पैसा मिला तो वो एक प्रोडक्टिव सर्विस मानी जाएगी और उसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, विंडफॉल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन कौन से होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, राइट, जैसे कि लॉटरी वगैरह लग जाती है, तो इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते। आपकी लॉटरी लगी, राइट, तो उससे क्या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है, नहीं ना, तो इस वजह से जो हम इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। अब ये इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका खुद का घर है, आप उसमें रह रहे हो, तो आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, राइट, बट अगर आप किसी और के घर में रहते हो तो आपको रेंट पे करना पड़ता। तो अगर हम अब हम खुद को तो रेंट दे नहीं रहे, तो ये क्या होगी, इम्प्यूटेड वैल्यू होगी, राइट। जब किसी भी पर्सन ने जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आपका, ठीक है, तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर वही सेम हाउस आप किसी और को देते तो वो उसके बदले में आपको क्या देते, रेंट देते। तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, कि आपकी खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट है जो, एक तरीके से, तो इसको हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके बाद फिर क्या है, हमारा सिक्स पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब जैसे आपने कोई पास्ट में कोई एक तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह करी थी, या फिर उससे जिससे उसकी वजह से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, और एक तरीके से पास्ट सेविंग्स पे आप पे कोई भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको, मतलब कोई भी पैसा मिल रहा है, कोई भी आपको पेमेंट मिल रही है, तो वो कोई पिछले साल की या पास्ट सेविंग्स की यहाँ पे बात हो रही है। अभी करंट में तो उसका कोई फ्लो नहीं हुआ, राइट, तो गुड्स और सर्विसेज का यहाँ पे इकोनॉमी में कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, उस चीज़ में ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से जैसे डेथ ड्यूटी होगी, इंटरेस्ट टैक्स हो गया, और क्या कहते हैं, गिफ्ट टैक्स हो गया, तो ये आपकी पास्ट सेविंग की पेमेंट्स है, तो इसमें करंट में हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये मेन छः पॉइंट बनते हैं जो हमारे इनकम मेथड में बनते हैं, कि इनको हम चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे वाले दो मेथड बच गए वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाली वीडियो में हम इनकी इलस्ट्रेशन भी करेंगे, जिससे आपको जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।